हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफर। ठीक है, ये मैं सेकंड वीडियो अपलोड कर रहा हूँ हीट ट्रांसफर की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं थर्मोडायनेमिक के बारे में। इट इज कंसर्न्ड विद इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ मैटर एंड प्रीक्लूड्स द टेम्परेचर ग्रेडियंट। प्रीक्लूड्स का मतलब होता है रोकथाम, रोकना। जो थर्मोडायनामिक है वो टेम्परेचर ग्रेडियंट को रोकता है। मान लीजिए हमारे पास टू बॉडीज है, इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर भी 50 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस है। ये होता है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स डील्स विद इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ मैटर। दोनों बॉडीज का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस और सेम रहे, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट के साथ डील करता है। ये कहनी चाहती है ये स्टेटमेंट। और प्रीक्लूड्स दी टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ग्रेडियंट को रोकता है, क्योंकि अगर ये डील करेगा इक्विलिब्रियम स्टेट के साथ तो उसका मतलब ये होगा कि टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा दोनों बॉडीज में। ठीक है, और हीट ट्रांसफर क्या कहती है? इट इज कंसर्न्ड विद नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस। टेम्परेचर ग्रेडियंट मस्ट नीड फॉर हीट ट्रांसफर। हमें पता है अगर हमने एक बॉडी से हीट ट्रांसफर करना है दूसरी बॉडी की तरफ तो क्या चाहिए? टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए। इससे टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ही तो हीट ट्रांसफर होती है, इसलिए इसे बोला जाता है नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस। और थर्मोडायनेमिक क्या कहता है? दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम रहे, इसलिए इसे बोला जाता है इक्विलिब्रियम प्रोसेस। और जे रोकता है टेम्परेचर ग्रेडियंट को, इसमें हमें टेम्परेचर ग्रेडियंट चाहिए फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इट हेल्प टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ वर्क एंड हीट इंटरेक्शन व्हेन सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर। थर्मोडायनेमिक हमें बताता है कितनी हीट वर्क में कन्वर्ट हुई या फिर वर्क करते समय कितनी हीट प्रोड्यूस हुई। ठीक है, ये बताता है थर्मोडायनेमिक। ये हमें नहीं बताता थर्मोडायनेमिक कितने समय में हीट वर्क में कन्वर्ट हुई। ठीक है, उसके लिए हम थर्मोडायनेमिक की स्टडी करते हैं। उसके लिए अगर हमने स्टडी करना है कितने समय में हीट ट्रांसफर हुई है, कितने समय में हीट वर्क में कन्वर्ट हुई है, उसके लिए हम फिर हीट ट्रांसफर की स्टडी करते हैं। हीट ट्रांसफर हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द टेम्परेचर रेट एट विच इंट्रैक्शन होगा। ठीक है, यही मैंने आपको बताया किस रेट से हीट जो वर्क में कन्वर्ट हो रही है, अगर हमने उसके बारे में स्टडी करना है तो हम हीट ट्रांसफर को स्टडी करते हैं। ठीक है, और थर्मोडायनेमिक हमें कुछ नहीं बताता कितने समय में हीट वर्क में कन्वर्ट हुई है, सिंपली हमें बताता है हीट कितनी वर्क में कन्वर्ट हुई है और वर्क करते समय कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस है इट डज नॉट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन बॉडी। ठीक है, थर्मोडायनेमिक हमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देता कि बॉडी में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। मान लीजिए ये बॉडी है, इस रीजन में कितना टेम्परेचर है, इस रीजन में मान लीजिए इस रीजन में है 50, इस रीजन में है 20। ये कुछ नहीं बताता कि इस रीजन में कितना टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं बताता। जो हीट ट्रांसफर है इट हेल्प्स अस टू प्रिडिक्ट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन बॉडी एंड रेट एट विच एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास बॉडी है, यहाँ पर टेम्परेचर 50 है, यहाँ पर 20 डिग्री है। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर हमें बताएगा इस रीजन में कितना टेम्परेचर है, इस रीजन में कितना टेम्परेचर है। ठीक है, इसलिए यहां पर लिखा गया इट हेल्प्स अस टू प्रिडिक्ट द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन बॉडी और द रेट एट विच एनर्जी ट्रांसफर। कितने समय में हीट ट्रांसफर हो चुकी है इस बॉडी से या फिर हो जाएगी वो हमें बताता है हीट ट्रांसफर। ठीक है, अभी हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं। ये एक एग्जाम्पल है थर्मोडायनेमिक और हीट ट्रांसफर में जो डिफरेंस है। ठीक है, ये है एक कंटेनर, इसमें कूल लिक्विड है और इसमें हम स्टील रोड जिसका टेम्परेचर हाई है उसे हम डिप करेंगे तो क्या होगा, इस स्टील रोड से हीट ट्रांसफर होगी।
ठीक है, कुछ समय के बाद ये स्टीम रोड का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा लिक्विड के टेम्परेचर, ठीक है, और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है इन तीनों का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, स्टील बार, लिक्विड एंड जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक क्या बताएगा? थर्मोडायनेमिक हेल्प करेगा टू प्रिडिक्ट द फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, ठीक है। ये वाटर एंड स्टील रॉड का फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना होगा? थर्मोडायनेमिक हमें कुछ नहीं बताएगा ये कितने समय में ये स्टील रॉड विद वाटर कितने समय में इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगी। थर्मोडायनेमिक ये कुछ नहीं बताएगा कितने समय में आ जाएगी, इसके बारे में कुछ नहीं बताएगा। और कुछ समय के बाद स्टील रोड का कितना टेम्परेचर होगा वो भी थर्मोडायनेमिक नहीं बताएगा, ठीक है। इसके लिए हम हीट ट्रांसफर को यूज करते हैं। कितने समय में ये स्टील रोड एंड लिक्विड इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएंगे उसके लिए हम हीट ट्रांसफर को यूज करते हैं। और इस बॉडी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस हम टेम्परेचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। ये डिफरेंस होता है थर्मोडायनेमिक एंड हीट ट्रांसफर में। थर्मोडायनेमिक सिंपली हमें हेल्प करेगा टू प्रिडिक्ट दी फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ स्टील बार एंड लिक्विड। थर्मोडायनेमिक हमें ये नहीं बताएगा कितने समय में ये फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी, ठीक है, और कुछ समय के बाद इस स्टील रोड का कितना टेम्परेचर होगा और एक पर्टिकुलर रीजन में कितना टेम्परेचर होगा। अगर हमने इन सभी चीजों को स्टडी करना है तो हम हीट ट्रांसफर को यूज करते हैं, ठीक है। जेथा डिफरेंस बिटवीन हीट ट्रांसफर एंड थर्मोडायनेमिक। थैंक यू।